हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन के पैटर्न को अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है कि आपका पैटर्न लग गया और आपको याद नहीं रहता, या फिर इनकेस आप भूल जाते हो तो आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हो और वहाँ पर जाके आपको 100-150 रुपये देने पड़ते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के सर्विस सेंटर पर जाते हो, वहाँ पर भी जाके आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर वारंटी में नहीं होता। फिर भी आपका टाइम तो वेस्ट होता ही है। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास एक ट्रिक है, इसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के पैटर्न को खोल सकते हो, घर पे ही खोल सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, आपका फ़ोन का डेटा फॉर्मेट हो जाएगा, जो इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे और बाकी सारा डेटा जो है वो भी चला जाएगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, तो इसलिए। लेकिन आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से कराओगे और सर्विस सेंटर से कराओगे तो वो भी यही करके आपको फ़ोन फॉर्मेट करके आपको अनलॉक करके देंगे। तो इससे तो अच्छा है आप घर में खुद ही कर लो। अगर आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो आप जीमेल के थ्रू जो है उसको खोल सकते हो। लेकिन अगर इनकेस आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं होता, या फिर आपका जीमेल अकाउंट आपके फ़ोन में ऐड नहीं होता, तो आपको जो है कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि आप उसको अनलॉक कर सकें। तो इसके लिए आपको एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये स्विच ऑफ हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको रिकवरी मोड ओपन करना पड़ेगा। और रिकवरी मोड ओपन करने के लिए आपको अपने फ़ोन का पावर की और ये वॉल्यूम प्लस की होल्ड करना पड़ता है। तो दोस्तों, हर एक फ़ोन का ये अलग अलग होता है। अगर आपके फ़ोन का पावर की और वॉल्यूम अब किसी से नहीं ओपन होता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो हाउ टू हार्ड रीसेट और योर डिवाइस का मॉडल नंबर। ऐसे करके आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाए, सॉरी वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आपके फ़ोन को हार्ड रीसेट करते हैं। तो मेरे में तो पावर की और वॉल्यूम अब किसी होता है, तो दोनों को साथ साथ होल्ड करना पड़ता है। यहाँ पर मैं करूँगा। अब ये दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह की विंडो आपके फ़ोन में खुलेगी। और ये कुछ फ़ोन में ऐसी विंडो खुलती है, नहीं तो सारे फ़ोन्स में डायरेक्टली रिकवरी मोड ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पे रिकवरी मोड सेलेक्ट करना है। अगर आपके फ़ोन में ऐसी विंडो आती है तो आप रिकवरी मोड सेलेक्ट कर सकते हो। ये रिकवरी मोड ऊपर और इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका टच काम नहीं करता है, तो आपको ये पावर की और इन सब चीज़ अपने इसको सेलेक्ट करना पड़ता है और स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। ये दोस्तों रिकवरी मोड है। अगर आपके फ़ोन में डायरेक्टली ये ओपन होता है तो आप यहाँ से इसको वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और इसको करने के बाद जो है आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, उसके बाद आपको रिबूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसको। अब यहाँ से इसको येस करना है। ये सारा डेटा आपका फॉर्मेट हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है वाइपिंग डेटा फॉर्मेटिंग डेटा। वाइप डेटा कंप्लीट। यहां से आप इसको रिबूट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपका फ़ोन ही अनलॉक हो चुका है और अभी रिबूट हो जाएगा। तो फर्स्ट बूट में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि फॉर्मेट होके फ़ोन जब रिबूट होता है तो आप सभी को पता है फर्स्ट टाइम ऑन होने में टाइम लेता है। तो इसके ऑन होने के बाद में ये अनलॉक हो जाएगा। और जिस तरह से आपका फ़ोन न्यू आता है उस तरह से इसकी विंडो सारी ओपन होंगी, यानी कि स्टार्टअप सेटअप आपको करना पड़ेगा, लैंग्वेज सेलेक्ट और अकाउंट ऐड और बाकी सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है फ़ोन हमारा, यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे और बाकी सारे नॉर्मल स्टेप्स जो वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद आपका फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आने वाले ऐसे ही इंडिया टेक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके आपके फ़ोन में या फिर आपके मेल में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।